नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश सरकार मार्ग 3 गते स्वाभिमान दिवस मनापत हेरने के मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार मार्ग 3 गते स्वाभिमान दिवस मनावन लागल। मार्ग 3 गते के दिन के स्वाभिमान दिवस मनाव के दिन के मंत्रिपरिषद विस्तार से निर्णय कैल गया। 3 मार्च 1998 गते के दिन तत्कालीन प्रदेश नंबर 2 के नाम मध्य प्रदेश नामकरण आ स्थानीय राजधानी जनकपुरधाम प्रदेश सभा बैसार से पास भेल। सन वह दिन के स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाव निर्णय भेल। मध्य सरकार के प्रवक्ता समेत रहा गृह संचार तथा कानून मंत्री मोहम्मद शमीम जानकारी देने छन। अहिना मार्च 5 गते मध्य सरकार बलिदानी दिवस से मनाव आ वह अवसर में मध्य आंदोलन के शहीद परिवार आ घायल सबके आर्थिक सहयोग समेत कर निर्णय भेल। मंत्री समीम जानकारी दिल। पत्रकार महिला उमा सिंह के हत्या भेल आई 15 वर्ष पूरा भेल। विक्रम संवत 2065 पुष 27 गति आई के रात जनकपुर रेडियो टुडे में कार्यरत 25 वर्षक पत्रकार उमा सिंह के जनकपुर धाम नगर पालिका 14 रजौर स्थित डेरा में रहल समय अज्ञात समूह धैर्गर हथियार प्रहार कर निर्भयतापूर्वक हत्या कैने सन। पत्रकार सिंह के मुख्य हत्यारा स्वामी कहल गेल उमेश यादव लगात किछ धौसा जिला अदालत से सर्वसम्मत सहित जन्मखेद के सजाए आदेश खोत मोहतरी के जलेसर कारागार में रह सन तो किछ एखनों कानूनी दायरा में आव नहीं सकल सन। यह अवसर में जनकपुर धाम के महावीर युवा कमेटी महिला पत्रकार सबके सम्मान से कलक है। वह क्रम में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह मीडिया हाउस सबके व्यवस्थित करवाक लेल सरकार के ठोस नीति नियम बनाव पड़त जिक्र कल। और खास मध्य प्रदेश के मीडिया के दिन अवस्था से प्रदेश में दिन प्रतिदिन मीडिया के अवस्था मीडिया कर्मी के अवस्था जो कमजोर हो जा रहा है और मीडिया पर भी जे क्या क्या युवा और पत्रकार के रुचि जो घटन जा रहा है एक प्रति सरकार से सचेत होना जरूरी है और एक प्रति सरकार के ध्यान देना जरूरी है और खास करके विभिन्न मीडिया हाउस सके व्यवस्थित ढंग से संचालन करे के लिए सरकार के उत्कृष्ट नीति नियम बना के अगर बढ़ना जरूरी है और सत्य तथ्य समाचार संप्रेषण करे वाला मीडिया हाउस और पत्रकार के प्रोत्साहित और गलत राजनीतिक समाचार संप्रेषण के निरुत्साहित करे के आवश्यकता है। तो वही मीडिया सही जो निडर रूप से जो निष्पक्ष समाचार संप्रेषण करे वाला मीडिया कर्मी के मनोबल बढ़ते और भयानक रूप से गलत समाचार संप्रेषण करके समाज में विकृति फैलावे वाला विभिन्न प्रकार के जे कारक तत्व सही सब निरुत्साहित होते हम अपने सबके आग्रह करे के चाहे एक ठोस एहन कानून और विधि निर्माण करे के पड़ते सरकार के और खास करके यहाँ के जे मीडिया कर्मी सब खातिर आई एगो बात अलग मीडिया यहाँ के मीडिया कर्मी के संपत्ति विभिन्न प्रकार के स्वर्गीय उमा सिंह के 15 स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज सांझ दीप प्रज्वलन करवा कार्यक्रम समिति रहा। महोतरी के दक्षिणवती मनोरा सुषमा नगर पालिका 4 झिंगा थाना पछवाड़ी टोल से लाखों के धनमान लूटपाट कैल गया। लुटेरा समूह के पीटपाट से घर के 2 गोटे महिला सहित किछ धियापुता घायल कर बृहस्पति के राति घरेलू हाथ पथार सहित 5 गोटे के संख्या में आयल नकाबधारी समूह बैजू शाह के घर में लूटपाट कलक। समूह घर के 2 गोटे महिला आ 4 गोटे धियापुता के कोठली भीतर बंद कूटपाट के पीड़ित के नातेदार रहा बैसू शाह जानकारी दे। 8-9 तोला बराबर के सोन चांदी के गौर गहना नगद 50,000 का करीब 10 लाख से बेसी के धन मानने पीड़ित द्वारा जानकारी दल गया। परिवार के 3 गोटे भैया
लम्बा समयसँ वैदेशिक रोजगारीके लेल खाड़ी देशमे रहल समय महिला आ धियापुता मात्रे घरमे रहल रोका पाइपके लूटपाट कयल गेल पीड़ित परिवारके कहब सेहो रहल अछि। हिन्दी भाषा बाजल लुटेरा समूहके बादसँ ओसब निकटवर्ती गाँवेके रहल हैत पीड़ित परिवारके अनुमान समेत रहल अछि। एम्हर जिला प्रहरी अपराध अनुसन्धान शाखाके प्रहरी निरीक्षक लोकृष्ण दहाल घटनास्थलमे प्रहरी परिचालनके अनुसन्धानके कार्य भऽ रहल जानकारी देलथि। बाल यौन दुर्व्यवहारके मुद्दामे राम बहादुर बमजनके पूर्व पक्षके लेल जनेसर कारागार चलान कयल गेल अछि। सरलाही जिला अदालतके न्यायाधीश विष्णु प्रसाद रेग्मीके एकल इजलासँ बमजनके पूर्व पक्षके लेल खुनामे पठाबऽ आदेश देल गेल अछि। आदेश सङ्गे बमजनके सरलाहीसँ महतरीके जलेसर कारागार चलान कयल गेलै। सरलाही कारागारमे राखऽ ठाम नहि रहलाक बाद बमजनके महतरी पठायल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाहीके प्रमुख SP प्रवीण धिताल जानकारी देलनि। बमजन अपने आश्रममे रहल आनीके बलात्कारके आरोपमे 2075 जहरी फरल छल। 2076 मार्चमे सरलाही प्रहरी आनीके बाल यौन दुर्व्यवहारके मुद्दा दर्ता करैत बमजन सम्बन्धमे अनुसन्धान सेहो शुरू कयने छल। प्रहरीके केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIV के टोली मंगलके राति करीब 7 बजेके समयमे बोढ़ा नियंठ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 हाथी गोटैता स्थित हिनकर घर सहिनका नियन्त्रण मेल गेल छल। मध्य प्रदेशके अर्थमन्त्री संजय खगुआन यादव आ उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवके विशेष संसदीय छानबिन समिति फेरसँ समय देलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव अपनाके उछल गेल प्रश्न वाणी सहितके आरोप सब नहि बुझने बाद हिनका बुन्दागत रूपे उपलब्ध कराकऽ बुन्दागत रूपे नहि जवाब देब सङ्गे अर्थमन्त्री संजय कुमार यादव माघ 3 गते बाद लिखित जवाब बुझाव जिक्र कयने छनि। विशेष संसदीय छानबिन समिति किछु हप्ता पहिनहि मन्त्रालयके शीर्षक अन्तर्गतके रकम यथाभावी रूपमे रकमान्तर कयने कहैत कि कतेक कारण रकमान्तर कयल गेल अनियमितता भेल नहि भेल कहैत अर्थमन्त्री संजय कुमार यादव आ उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवके पूछताछके लेल बजौले छल। मुदा अर्थमन्त्री यादव अपने माघ 3 गते धरि व्यस्त रहल जानकारी विशेष संसदीय छानबिन समितिके बैसारमे उपस्थित होब नहि सकब जिक्र कयलनि। सङ्गे ओ उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव बुन्दागत रूपमे अपनाके प्रशिक्षण उपलब्ध कराबऽ आग्रह कयने बाद हिनका बुन्दागत रूपमे प्रश्न उपलब्ध करायल गेल जानकारी देल गेल अछि। विशेष संसदीय छानबिन समितिके सभापति उपेन्द्र महतो अर्थमन्त्री माघ 3 गते धरि व्यस्त रहल बाद हिनका माघ 4 गते धरि लिखित जवाब उपलब्ध कराबऽ निर्देशन देल गेल जानकारी देलनि। उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री यादवके समेत बुन्दागत रूपमे प्रश्न सब उपलब्ध करायल गेल हुनकर कहब सेहो रहल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्योग समय काटल गेल बिजुलीके लाइन जोड़ देबक निर्णय कयलक अछि। शुक्र दिन भिनसर बैसल प्राधिकरण सञ्चालक समितिके 960 बैसारसँ लाइन काटल गेल डेडिकेटेड फीडर तथा ट्रंक लाइनके विद्युत उपभोग केने बापतके महसूल बक्यौता भेल ग्राहक सबके विद्युत लाइन जोड़ निर्णय कयलक अछि। एहिसँ पहिने मंत्री परिषद बैसारसँ लाइन काटल गेल उद्योग सबके बिजुलीके लाइन जोड़ देबक प्राधिकरणके निर्देशन देबक निर्णय समेत कयल गेल छल। साथै मन्त्री परिषद बैसारसँ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीके विवाद छानबिन गरेर जाँचबुज आयोग समेत गठन कयल गेल अछि। मन्त्री परिषदके बैसारके निर्णय सम्बन्धी पत्र बृहस्पति ऊर्जा मन्त्रालयसँ प्राप्त भेल कहैत शुक्र दिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिके बैसार बैसौने अछि। मन्त्री परिषद बैसारसँ गठन कयल गेल जाँचबुझ आयोगसँ प्रतिवेदन पेश होइत नेपाल सरकारसँ निर्णय नै भेल धैर्यके लेल उद्योग समय बिजुलीके लाइन जोड़ देबऽ निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिके एक गोटे सदस्य जानकारी देलनि। महतारीके गौशालामे लक्ष्मीनिया टोलके 2 कट्ठामे लगायल गेल गाँजा खेती प्रहरी नष्ट कयलक अछि। ओहि खेतके बीच 2 कट्ठामे लगायल गेल गाँजा खेती प्रहरी फडानीके नष्ट कयलक अछि। तऽ विशेष सुराकीके आधारमे ओहि खेतके बीचमे लगायल गेल गाँजा खेती कान्ति बजार प्रहरी चौकीसँ खटन प्रहरीके टोली बृहस्पति दिन नष्ट कयलक अछि। ओहि खेतके बीच लगायल गेल गाँजा खेती नष्ट करऽ सफल भेल कान्ति बजार प्रहरी चौकीके इन्चार्ज रहल प्रहरी सहायक निरीक्षक शर्मा प्रसाद यादव जानकारी देने छनि। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपा जेठ महिनाके अन्तिम हप्तामे अधिवेशन गर्न निर्णय कयलक अछि।
पार्टी के राजनीतिक समिति के वृहस्पति दिन संपन्न गई सात सौ अधिवेशन जेठ महीने के 27, 28 और 29 गते कर निर्णय के ने राजनीतिक समिति के सदस्य एवं पूर्व मंत्री हरिनारायण यादव जानकारी दिले। अधिवेशन काठमांडू में कर आ तैयारी के लिए विभिन्न समिति से बनाव निर्णय के नेता यादव जानकारी से देन। राजनीतिक समिति के ने निर्णय के शुभ दिन बैसक केंद्रीय समिति के वैसार से अनुमोदन केने बाद महाधिवेशन के तिथि सार्वजनिकरण हिंकर कह सल। लंबा समय से जसपा के अधिवेशन भवन स्थल स्तर विभाजन के समय से महाअधिवेशन कर नहीं सकल। जसपा पहले बेर नया विधान अनुसार महाअधिवेशन कर लापने। राजनीतिक समिति के बैसार में वरिष्ठ नेता राजेंद्र श्रेष्ठ प्रस्तुत के राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर व्यापक छलफल भेल। सहभागी सब जानकारी से दिलेन। श्रेष्ठ तैयार करने प्रतिवेदन में संघीय सरकार एक वर्ष में केने काज सबके प्रशंसा के लोप संघीयता के संस्थागत कर प्रदेश के देव पर अधिकार नहीं देने उल्लेख से रहा है। आईना महाधिवेशन के लिए राजनीतिक प्रतिवेदन नीति कार्यक्रम आर्थिक प्रतिवेदन लगायत के दस्तावेज सबके मुसिलदा होबो फरस साथे महाधिवेशन के लिए व्यवस्थापन प्रचार प्रसार आ आर्थिक काज के सेहो व्यवस्थित कर समिति गठन के लिए प्रस्ताव के केंद्रीय समिति से अनुमोदन करायल गेल हिनकर कहब सल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में शुक्र दिन सोन के दाम बढ़ल। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आज सोन के दाम 300 रुपया से बढ़ल। महासंघ के अनुसार आज शुक्र दिन छापावाल सोना 118,643 सोन 118,050 रुपया में कारोबार भर रहा है। बृहस्पति छापावाल सोन 118,343 सोन 117,750 रुपया में कारोबार फैसल। तहना आज चांदी के दाम घटल। चांदी आई तोला के 10 रुपया से घटिक 1400 रुपया में कारोबार भ रहा महासंघ द्वारा जानकारी देल गेल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के पश्चिमी किनारे में रहल दशत ए वर्जी क्षेत्र में बृहस्पति दिन भेल विस्फोट में 2 गोटे की मृत्यु भेल साथे अन्य 12 गोटे घायल भेल। काबुल के प्रहरी प्रवक्ता खालिद जद्राम जानकारी दे सक। आतंकवादी हमला के दोष देख जद्राम सुरक्षा बल सब देश के सब नागरिक सब के सुरक्षा सुनिश्चित कर लेल हर संभव प्रयास करब जानकारी से दिलेन। दशत ए वज्री इलाका में ई दोसर आतंकारी हमला से हो रहा है। ऐसा पहले सही दिन मिनी बस के लक्षित करते भेल आक्रमण में 5 गोटे के मृत्यु भेल सब 15 गोटे घायल से हो गए। सही दिन के मिनी बस के भेल हमला के जिम्मेवारी प्रतिद्वंद दाएस वा इस्लामिक स्टेट संगठन लेने है। मुदा अन्य दुटा विस्फोट के जिम्मेवारी कोनो समूह नहीं लेने रही। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हवे टा करब। तखन दिन के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।